कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वेलकम है आपका मेरे किचन में। और आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मटर पनीर, और वो मटर पनीर जो हमने अक्सर पार्टियों में शादियों में खाया होता है, वो आज मैं आपको अपने घर में बनाना सिखाऊंगी कि हलवाई उसे कैसे बनाते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ जाएगी। सबसे पहले तो ये मेरे पास आधा किलो मटर है, हाफ के जी, और ये आधा किलो पनीर है। इसको मैंने इस तरीके से टुकड़ों में कट कर लिया है। तो आइए व्यूवर्स देख लेते हैं कि हमारे मटर पनीर में क्या क्या चीजें जाएंगी। ये देसी घी है, ये मेरा होममेड देसी घी है, मैंने घर में बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो बताइएगा। और ये अमूल की फ्रेश क्रीम है, और ये खोया है, ये मखाने हैं, और ये गरी का बुरादा है, और ये काजू है। ये लगभग 80 से 100 ग्राम के लगभग काजू होंगे, जिसमें से आधी क्वांटिटी में खड़ी मसाले में ग्रेवी में डालूंगी और आधी मसाले के साथ पीसी जाएगी। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, दो तेज पत्ते हैं, और हाफ टी स्पून जीरा है, दो छोटी इलायची है, 8-10 दाने काली मिर्च के हैं, और 2-3 लौंग है, और एक ये दालचीनी का टुकड़ा है। और ये कुछ पाउडर मसाले हैं, जिसमें कि नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, और ये पिसी हुई मिर्च है 1 टीस्पून, और ये 1.5 टीस्पून के लगभग पिसी हुई धनिया है, और ये मेरा गरम मसाला है, और ये 2 से 3 चुटकी हल्दी है, और ये ऑयल है। और देखिए व्यूवर्स, ये मेरे 2 टमाटर हैं मीडियम साइज के, इसको मैंने रफली चॉप किया है, और ये 3 मीडियम साइज की प्याज थी, इनको रफली चॉप कर लिया है। ये 3 हरी मिर्चें हैं, और ये 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा था, इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और एक ये होल लहसुन था, होल गार्लिक, इसको मैंने छील करके लिया है। इन सब चीज़ों को हम थोड़े से तेल में फ्राई करेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम इनका पेस्ट बनाएंगे। और काजू भी हम इसी में डाल देंगे, और वो जो गरी का बुरादा हमने दिखाया था वो भी इसी में डाल करके हम पीस लेंगे। फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, मैंने एक पैन इस पर रख दिया है, ये गर्म हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल करके हम अपने पनीर के टुकड़ों को हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, अच्छी तरीके से इसे स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ। देखिए व्यूवर्स, मैं अपने पनीर के टुकड़ों को इसमें डाल दे रही हूँ, और इन्हें हल्का हल्का सा फ्राई कर लूंगी। देखिए व्यूवर्स, हमारे जो पनीर के टुकड़े थे उनको मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया है, इस पे हल्के हल्के से गोल्डन से स्पॉट आ गए हैं। बहुत से लोग कच्चा पनीर भी डालते हैं, लेकिन मुझे फ्राई करके ही डालना पसंद है, इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो मैंने अपने सारे पनीर के टुकड़े इसी तरीके से फ्राई कर लिए हैं। व्यूवर्स देखिए, हमारा जो पनीर था वो हमने फ्राई कर लिया है, और ये जो हमारी मटर थी इसे हमने थोड़ा सा पानी डाल करके बॉयल करने के लिए रख दिया, ताकि हमारी जो ये मटर है ये सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद जो प्याज और अदरक लहसुन और हरी मिर्च और टमाटर मैंने आपको दिखाए थे, उन्हें हम सॉफ्ट कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल करके हम उन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे, सॉफ्ट कर लेंगे, फिर उसकी पेस्ट बनाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, हमारी जो मटर है ये बॉयल हो रही है, और अब हम अपने जो प्याज और टमाटर अदरक लहसुन था वो हम फ्राई कर लेते हैं। देखिए व्यूवर्स, मैंने थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल लिया है, इसी में मैंने अभी अपने पनीर के टुकड़े फ्राई किए थे, इसी में हम अपनी प्याज जो है ये डाल देंगे। पहले प्याज को हमें बस ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है, बस इसे सॉफ्ट करना है, थोड़ा सा प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें अपने टमाटर और बाकी चीज़ें डाल देंगे। बस इसी तरीके से इसे चलाते हुए हल्का हल्का भून लेंगे, बस ये थोड़ी सी ट्रांसलूसेंट हो जाए, बस इतना ही इसे हमें बनाना है, उसके बाद हम इसमें अपनी और चीज़ें जो हैं वो डाल देंगे। देखिए व्यूवर्स, ये प्याज हमारी सॉफ्ट थोड़ी सी हो गई है, हम अपने टमाटर इसमें डाल देंगे, और ये हरी मिर्चें भी डाल देंगे, और ये अदरक और लहसुन जो था ये भी हम इसमें डाल देंगे, और वो जो हमने काजू आपको दिखाए थे उसकी आधी क्वांटिटी, जो हमने काजू आपको दिखाया था इसकी आधी क्वांटिटी हम इसमें डाल देंगे, और आधी हम ग्रेवी में ऐसी खड़ी डालेंगे। और हमें इसी तरीके से इसे चलाते हुए
भून लेना है ताकि इसके टमाटर और ये जो बाकी चीजें हमने डाली ये सब सॉफ्ट हो जाए। और इसके सॉफ्ट होने के बाद मैं इसे ठंडा करूंगी, ठंडा करके फिर इसका एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। देखिए व्यूवर्स, हमारे ये टमाटर, प्याज और ये सारी चीजें सॉफ्ट हो चुकी हैं, और ये जो कोकोनट मैंने आपको दिखाया था ये भी हम इसी में डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को मैं ठंडा कर लूंगी अच्छी तरीके से, और ठंडा करने के बाद इसका एक फाइन पेस्ट हम बना लेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, मैंने अपनी कढ़ाई अपने कुकटॉप पे रख दी है, कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें लगभग 80 से 100 ml के लगभग ऑयल डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, बस इतना सा, 1 टेबल स्पून, 1 सर्विंग स्पून। और ऑयल गर्म हो जाएगा हमारा, तो जो ये हमारे खड़े मसाले मैंने आपको दिखाए थे, तेज पत्ता और ये दालचीनी और ये 2-3 लौंग और ये 8 से 10 दाने काली मिर्च के, ये 2 छोटी इलायची और ये जीरा, तेल के गर्म होने पर हम ये चीजें इसमें डाल देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें ये डाल देते हैं। देखिए हमारे जो ये खड़े मसाले थे ये हमने इसमें डाल दिए हैं, और इसे 1 से 2, 3, 4 सेकंड जो है हल्का सा सौते कर लेंगे जिसकी खुशबू इसमें आ जाए। और व्यूअर्स, ये जो पेस्ट मैंने बनाया है, अदरक लहसुन प्याज टमाटर और काजू सारी चीजें जो पीसी हैं वो ये पेस्ट बनकर के तैयार है, वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम मेरी अभी फुल पे है, इसे डाल करके हम भून लेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये हमने अपना जो ये तैयार किया था मसाला वो डाल दिया है, और अब हम इसमें जो हमारे ये मसाले थे ये भी हम डाल देंगे, सारे पाउडर मसाले, धनिया मिर्चा नमक गरम मसाला हल्दी, ये सारी चीजें हमने इसमें डाल दी है, और इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं लगभग, और अब हम इसमें अपने ये मखाने डाल देंगे, अपने ये काजू भी डाल देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, और जो ये खोया हमने लिया था ये खोया भी हम इसमें डाल करके साथ में ही भून लेंगे। अच्छी तरीके से हम इन्हें भून लेंगे चलाते हुए, मिक्स कर लेंगे खोया को, और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। हलवाई इसी तरीके से शादियों पार्टियों में जो है बनाते हैं मटर पनीर, वो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, आप इस तरीके से अपने घर में बनाइएगा, ये बहुत ही लाजवाब बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होगी। अब हम इसकी लिड लगा करके इसे धीमी आंच पे 5-6 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूवर्स, ये अब इस तरीके का मसाला दिख रहा है, ये अच्छी तरीके से भुन चुका है, बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है, और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब इसमें हम अपने मटर जो है वो डाल देंगे। देखिए हम इसमें जो हमने मटर बॉयल किए थे वो अब अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं, वो मटर हम इसमें डाल देंगे, सारे मटर हम डाल देंगे इसमें, और डाल करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, मैंने देखिए इसमें सारे मटर डाल दिए हैं, और इसमें आधा गिलास पानी डाल दिया है, और इसमें आधा गिलास पानी डालने के बाद हम इसे 5 मिनट धीमी आंच पे और पकाएंगे, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमारी ग्रेवी इस तरीके से दिख रही है, और अब हम अपना पनीर इसमें डालेंगे। देखिए व्यूअर, हमने अपना सारा पनीर इसमें डाल दिया है, अब ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और इसकी कंसिस्टेंसी जो है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, इसकी थिकनेस कि आपको कैसा चाहिए, और मैं इसे ऐसे ही रखूंगी, इतना ठीक है ये। और अब हम इसमें अमूल की फ्रेश क्रीम डाल देंगे, अमूल की फ्रेश क्रीम हम इसमें डालेंगे। अगर आपके पास अमूल की फ्रेश क्रीम ना हो तो आप दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी ये पनीर बन करके तैयार हुई है। अब मैं आप लोगों को इसे सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए व्यूवर्स, बनकर तैयार है हमारी हलवाई स्टाइल मटर पनीर। बहुत ही टेस्टी बनी है ये, बहुत ही औसम और देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लग रही है। आप अपने घर में इसे बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं और तारीफें बटोरें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।